हेलो यूट्यूब, आज के इस वीडियो में हम OCST टेस्ट के ऊपर एक न्यूमेरिकल करेंगे। इसका थ्योरी पार्ट तो बुक में दिया रहेगा, आप वहाँ से देख सकते हो। न्यूमेरिकल हमें आते हैं क्वेश्चन में 10 या 8 मार्क के लिए, तो फिर वो हमें सॉल्व करना आना चाहिए। बाकी थ्योरी पार्ट तो कभी पूछते नहीं है, इसलिए उसकी ज़रूरत नहीं है। बस इतना याद रखें, जो OC टेस्ट होता है वो लो वोल्टेज साइड में होता है, और जो SC टेस्ट होता है वो हाई वोल्टेज साइड में होता है। बस इतना याद रखिए, वो आगे जाके काम आएगा। तो एक न्यूमेरिकल आज हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन देखिए क्या है। FI KVA 1000 वोल्ट/200 वोल्ट 50 हर्ट्स 1 फेज सिंगल ट्रांसफार्मर गिव्स द फॉलोइंग टेस्ट रिजल्ट। OC टेस्ट 1000 वोल्ट 0.24 एम्पियर और 90 वोल्ट। SC टेस्ट 50 वोल्ट 5 एम्पियर 110 वोल्ट और दोनों भी HV साइड में है। तो फिर एक ऐसा टेबल तो हमें क्वेश्चन पेपर पे गिवन रहता है, और पूछा क्या है यहाँ पर। इक्विवेलेंट सर्किट पैरामीटर रेफर टू एलवी साइड हमें पूछा है, हमें इसको एलवी साइड में लेके जाना है। और सेकंड क्या पूछा है, रेगुलेशन एट हाफ लोड एट 0.8 लैगिंग पावर फैक्टर। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम OC के लिए सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो गिवन रहता है उसी का, उसे हम किस फॉर्मेट में लिखेंगे। V0 इक्वल्स टू 1000 वोल्ट, I0 इक्वल्स टू 0.24 एम्पियर और WI इक्वल्स टू 90 वोल्ट। ऐसे हम इसको लिख लेंगे गिवन को। और फिर उसके बाद हमारा फार्मूला क्या है, WI इक्वल्स टू V0 I0 cos φ। इसमें हम डाल देंगे उसको। WI क्या है हमारा 90, V0 क्या है 1000, इंटू I0 क्या है 0.24 cos φ। तो यहाँ पे हमें cos φ की वैल्यू मिल जाएगी हमारे केल्सी से। Ninety equals to 1000 into 0.24 into x। यहाँ से हमें cos φ की वैल्यू मिल जाएगी 0.375। cos φ की वैल्यू। अब इस cos φ की वैल्यू से हमें φ की वैल्यू मिल जाएगी। φ इक्वल्स टू ये 0.35 का cos इनवर्स करना है, cos इनवर्स 0.,  उसी आंसर को हम कर देंगे तो 67 डिग्री मिल जाएगी हमें। 67.97 डिग्री φ है, तो इस φ से हमें sin φ की वैल्यू मिल जाएगी। इसी आंसर को हम साइन का निकालेंगे तो हमें sin φ की वैल्यू मिल जाएगा 0.9270। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होता है हमारा, IC निकालना। IC क्या होता है, I0 cos φ। तो IC का I0 क्या है हमारा, I0 क्वेश्चन यहाँ से गिवन से लेंगे 0.24 into cos φ क्या था 0.375। तो IC की वैल्यू आएगी आप जब कैलकुलेट करेंगे तब 0.09 एम्पियर। आप कैलकुलेट करेंगे तब IC की वैल्यू ये आएगी। और IMU निकालना है। IMU क्या होता है, I0 sin φ। तो इसमें हम वैल्यू डालेंगे। I0 तो 0.24 into sin φ की वैल्यू क्या है 0.927। ये जब करेंगे तब IMU की वैल्यू यहाँ से निकल कर आएगी 0.22 एम्पियर। ठीक है। अभी हमें निकालना होता है X0, जो कि XM भी उसको बोलते हैं, और उसका फॉर्मूला है V0 अपॉन IMU।
इसमें हम वैल्यू डालेंगे, वी ज़ीरो अपना क्या है 1000, क्वेश्चन गिवन से निकालेंगे 1000 अपॉन आई म्यू क्या है, आई म्यू अपना था आई ज़ीरो साइन फाइव, तो आई म्यू कितना है 0.22, 0.22 ये आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर आएगा 4545.4। अभी हमें निकालना होता है आर ज़ीरो, जिसको बोलते हैं आर सी, और उसका फॉर्मूला है वी ज़ीरो अपॉन आई सी। अब इधर हम लोग उसकी वैल्यू डालेंगे, वी ज़ीरो अपना है 1000 और आई सी क्या था आई ज़ीरो कॉस फाइव, जो क्या आया था 0.09 एम्पियर, 0.09 एम्पियर। तो ये जब कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1 2 3 4 5, 5 बार 1.1, ये इसका आंसर आएगा। ये हो गया हमारा यहाँ पर ओसी टेस्ट कंप्लीट। बाद में हम इसको डायग्राम में लिखेंगे, इसको जो हमें इक्विवेलेंट सर्किट में जो पैरामीटर भरने हैं वो हम बाद में करेंगे। अभी एसी टेस्ट के लिए सॉल्व करते हैं। एसी टेस्ट के लिए सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, एसी टेस्ट, ठीक है। अब एसी टेस्ट को हमारा ये गिवन हम इसको कैसे लिखेंगे, इसका तो हमने लिखा था वी ज़ीरो आई ज़ीरो और डब्ल्यू आई, और इसका हम कैसे लिखते हैं वी एस सी, वी एस सी कितना है 50, आई एस सी कितना अपना 5 एम्पियर, आई एस सी 5 एम्पियर, और तीसरा वाला होगा डब्ल्यू एस सी 110 वाट, ठीक है। इसका गिवन हम इसको ऐसे लिख लेंगे, इन तीनों को वी एस सी आई एस सी और डब्ल्यू एस सी के फॉर्म में। अब इसका फार्मूला क्या है हमारा, डब्ल्यू एस सी इक्वल्स टू आई एस सी का स्क्वायर टू आर वन ई, ठीक है। अब गिवन सब इसमें भर देंगे हम, डब्ल्यू एस सी की वैल्यू क्या है 110, आई एस सी कितना है 5 एम्पियर, तो आई एस सी का स्क्वायर है इंटू आर वन ई, तो फिर यहाँ से कैल्सियम में हम सॉल्व फॉर एक्स करेंगे तो आर वन ई की वैल्यू निकल के आएगी हमारे पास 4.4 ओम, ठीक है। या आप कैलकुलेट करेंगे तो आर वन की वैल्यू निकल आएगी। तो हमें अभी फाइंड करना है जेड वन ई, उसका फार्मूला क्या है वी एस सी अपॉन आई एस सी, यहाँ पर वी एस सी की वैल्यू डाल देंगे 50 अपॉन 5, कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 10 ओम। अभी वापस हमें एक फार्मूला होता है जेड वन ई इक्वल्स टू अंडर रूट आर वन ई स्क्वायर प्लस एक्स वन ई का स्क्वायर, तो यहाँ पे हम सारे गिवन भर देंगे। जेड वन ई क्या है हमारा 10, अंडर रूट आर वन ई की वैल्यू क्या है 4.4, आर वन ई की वैल्यू है 4.4 का स्क्वायर प्लस एक्स वन ई का स्क्वायर। इसे भी हम सॉल्व फॉर एक्स करके एक्स वन ई की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर आपको नहीं मालूम तो मैं करके भी दिखा देता हूँ एक बार, चाहिए तो 10 इक्वल टू है यहाँ पर 10 इक्वल टू अंडर रूट ब्रैकेट 4.4 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, तो फिर यहाँ पे सॉल्व फॉर एक्स करेंगे 8.979, मतलब 8.98 आएगी इसकी वैल्यू हमारी 8.98 एक्स वन ई, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हमारी सारी निकल गई जो हमें इसके जो डायग्राम में भरना होता है वो सब निकल गए, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरामीटर रिफर टू एलवी साइड, ये सब हमको एलवी साइड लेके जाना है। जो हमने सॉल्व किया वो एचवी साइड के लिए सॉल्व किए, सब हमने हायर साइड में सॉल्व किए। तो अभी इन सब वैल्यू को जो हमारी जो वैल्यू है आर वन ई एक्स वन ई और ये अपनी एक्स ज़ीरो और आर ज़ीरो की वैल्यू है, इन सबको हमें अभी लो वोल्टेज साइड लेके जाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, रेफर टू लो वोल्टेज साइड के लिए
लो वोल्टेज साइड के लिए लेके जाने के लिए क्या करना पड़ता है हमें, एक फार्मूला है के इज इक्वल्स टू ई टू अपॉन ई वन। ई टू की वैल्यू कितनी है, 200 अपॉन 1000। ये वैल्यू कहाँ से आई, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये ई वन होता है अपना, ये ई टू होता है क्वेश्चन में। तो फिर हमने इससे पहले क्यों लिया है, यहाँ पर देख सकते हैं हमने 200 को पहले क्यों लिया है, क्योंकि हमें लो वोल्टेज साइड लेके जाना है। तो इन दोनों में से लो कौन सा है, 200 है, छोटा 200 है, तो 200 अपॉन 1000 करेंगे। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में दिया होता है कि हाई वोल्टेज साइड लेके जाना है, तो अपन ई वन अपॉन ई टू करते हैं, 1000 को ऊपर रखते हैं और 200 को नीचे करते हैं, और के की वैल्यू निकालते हैं। तो के की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी 0.2। अभी जो उसको हमें कन्वर्ट करना होता है लो वोल्टेज साइड लेके जाने के लिए, हमारा फॉर्मूला है एक्स एम डैश निकालना है के स्क्वायर इंटू पहले वाला एक्स एम। तो के स्क्वायर तो 0.2 का स्क्वायर इंटू एक्स एम कितना था, एक्स एम ही हमारा होता है, एक्स जीरो इक्वल एक्स एम 4545.4 इंटू 4545.4। तो ये जब कैलकुलेट करेंगे तब आपका आंसर आएगा 181.8 ओम। आप आर सी डैश, आर सी ये होता है हमारा आर ज़ीरो, उसको आर सी बोलते हैं, तो उसकी उसको भी सेम है एक के स्क्वायर इंटू पहले वाला आर सी। तो के स्क्वायर तो 0.2 स्क्वायर, और पहले वाला आर सी क्या है, 5 बार 1 है, 1 2 3 4 5.1। अब ये जब आप करेंगे तो आंसर आएगा आपको 444.44 ओम। अभी निकालना है आर वन ई डैश, के स्क्वायर इंटू पुराना वाला आर वन ई, के स्क्वायर तो 0.2 स्क्वायर, और पुराना वाला आर वन ई क्या था, 8.98। नहीं, एक्स वन ई की वैल्यू, आर वन ई की वैल्यू है 4.4, आर वन की वैल्यू 4.4। तो इस ये अब कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 0.176 ओम। अभी क्या निकालना है अपने को, एक्स वन ई डैश, तो के स्क्वायर इंटू पुराना वाला एक्स वन ई, के स्क्वायर हो गया अपना 0.2 स्क्वायर, पुराना वाला एक्स वन ई कितना है, 8.98। ये जब कैलकुलेट करेंगे तब आंसर आएगा 0.36 ओम। अब इसको डायग्राम में हमें भरना है, तो ये डायग्राम कुछ ऐसे बनता है। इस तरीके से डायग्राम बनता है, और ये आगे जाएगा, यहाँ पर एक आएगा, और ये ऐसे ऐसे आएगा। ये पॉइंट नहीं आएंगे, यहाँ पर एक बॉक्स आके उसमें आएगा जेड एल, मतलब लो वोल्टेज। अभी यहाँ पर जो होता है वो हमारी आर सी की वैल्यू होती है, आर सी कितना है हमारा 444.44, यहाँ पे लिख देंगे 444.44। और यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो एक्स एम की होती है, एक्स एम कितना है अपना 181.8। और यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो हमारी आर वन ई की होती है, आर वन ई कितना है वो 0.176। और यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो एक्स वन ई की होती है, एक्स वन ई यहाँ पर लिखा जाता है, उसकी वैल्यू कितनी है 0.36। ये हो गया अपना पहला सॉल्व, इक्विवेलेंट सर्किट पैरामीटर रेफर टू एलवी साइड। अब हमें दूसरा क्या पूछा है, रेगुलेशन एट हाफ लोड एट 0.5 लैगिंग पावर फैक्टर। ठीक है, लिख देंगे हम यहाँ पर क्या पूछा है, रेगुलेशन एट हाफ लोड एट 0.8 पावर फैक्टर। तो इसका फॉर्मूला होता है आई टू इक्वल्स टू के वी ए अपॉन
E2। तो क्वेश्चन में केवीए अपने को दिया था 5 KVA। दरअसल ये केवीए इंटू 1000 होता है क्योंकि ये किलोवाट में दिया रहता है। तो केवीए अपना क्या है, 5। तो 5 × 1000 अपॉन E2 कितना है, E2 हमारा ये होता है 200 है अपना E2, 200। तो ये जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको आंसर आएगा 25 एम्पियर। अब जबकि हमें पूछा गया है एट हाफ लोड पावर फैक्टर, तो फिर ये क्या होगा, हाफ लोड मतलब 0.5, हाफ मतलब 0.5 और इंटू I2 कर देंगे 25, तो इसका आंसर आएगा अपने पास 12.5। आप कॉस फाई निकालना है, कॉस फाई अपना कैसे निकलता है, तो यहाँ पे हमें दिया है कॉस फाई क्या दिया है, हमारे रेगुलेशन एट हाफ लोड एट 0.8 पावर फैक्टर, पावर फैक्टर हमें वैल्यू दिए है 0.8, कॉस फाई की वैल्यू 0.8 दिए। तो फिर हम यहाँ से फाई की वैल्यू निकाल सकते हैं, कॉस एक्स इक्वल्स टू 0.8 रखेंगे यहाँ पर और एक्स के लिए सॉल्व करेंगे तो हमें फाइव की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से हमें फाइव की वैल्यू मिल जाती है 36.86। अब इसी फाइव को हम साइन में लेके जाएंगे और साइन फाइव की वैल्यू निकालेंगे, साइन फाइव की वैल्यू आती है 0.6, साइन फाइव की वैल्यू आ जाएगी 0.6। अब हमारा परसेंटेज रेगुलेशन का जो फॉर्मूला है वो है I2FL ब्रैकेट में R1E कॉस फाई, नया वाला R1E मतलब R1E डैश कॉस फाई प्लस X1E नया वाला जो चेंज किया है वो साइन फाई, ये पूरा अपॉन E2 इंटू 100। अब यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे, I2FL अपना ये होता है I2FL, ये जो हम अपना होता है वो I2FL होता है, तो ये वैल्यू अपन सब इसमें डाल देंगे 12.5। अपना नया वाला R1E क्या था, नया वाला R1E डैश था अपना 0.176, 0.176 इंटू कॉस फाइव की वैल्यू है 0.8 प्लस X1E डैश की वैल्यू क्या है अपने, X1E डैश की वैल्यू है 0.36, 0.36 इंटू साइन फाइव की वैल्यू है अपने 0.6 ब्रैकेट क्लोज अपॉन E2 अपना कितना था 200। E2 अपने को यहाँ से मिलता है, ये अपना E1 और ये अपना E2, E2 अपना 200 टोटल इंटू 100। ये सेम टू सेम अपन कैल्शियम डालेंगे तो आंसर अपने को निकल के आएगा 2.23%। दैट्स ऑल, ये था अपना इसका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन। दैट्स ऑल गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।